अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गाइस मैं आपके साथ एक मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर हमने मैदा ले लिया है। मैं ये 2 कप मैदा ले लूँगी। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1 कली तेल, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करे बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करे बाद पानी डाल के इसको अच्छे डुई बना लेंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने डुई बना ली। हमने आटा गूंद लिया है मैदे का। इसको थोड़ा तेल ऐड करेंगे, खाली लाइट तेल ऐड करे बाद थोड़ा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से ढक के रख देंगे। देखिए गाइस मैं यहाँ पर मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ मटन के गोश्त के मोमोज बना रही हूँ। यहाँ मैंने मटन ले लिया है, खीमे के यहाँ खीमा ले लिया है। चलिए अब हम रेसिपी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को पीस लिया। देखिए पीसी हुई हरी मिर्च ली हूँ, प्याज ली हूँ। अब हमने यहाँ पर पैन रख दिया, इसमें तेल ऐड करेंगे। ये गाइस इसमें हम तेल ऐड करेंगे। मैंने तेल ऐड करी, 1.5 पल्ली तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मोमोज का मसाला बना ले रहे हम, तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को थोड़ी लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मिर्च हम ये मसाला ऐड कर लेंगे, हरी मिर्च भी अच्छा भून लेंगे। देखिए गाइस हमने ना मसाला हरी मिर्ची प्याज अदरक लहसुन डाले बाद से इसको भून लिया। अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे, गोश्त। फिर हमने खीमा ले लिया है। खीमे को हमने अच्छी तरह से धो लिया था 3 पानी से। अच्छा भून लेंगे हम, अच्छा मिक्स करके भून लेंगे हम। देखिए गाइस हमने खीमा डाल दिया। इसमें खीमे का हमने पानी ऐड नहीं करे, वो खीमे का ही पानी है। इसमें अब हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। पानी को अच्छा सूखन लेंगे, अच्छा भून लेंगे हम इसको। देखिए हमारा मसाला मोमोज का बन के रेडी हो जा रहा है। हम इसको पूरा पानी का कस देंगे, पूरा पानी को अच्छा सुखा देंगे। देखिए गाइस हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है। देखिए हमने अच्छी तरह से भून लिया है इसको। देखिए हमने यहाँ छोटी छोटी तरह से पूरी की तरह इसको बेल लिए है। अब हम इसमें मसाले ऐड करके शेप दे देंगे। ये गाइस हमने यहाँ मोमोज बना के रख दिए। मोमोज को शेप दे दिया अलग अलग। यहाँ देखिए अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया, हम फ्राई वाले मोमोज बना रहे हैं, मोमोज फ्राई। देखिए गाइस हमने मोमोज बना दिए है। देखिए मोमोज को शेप भी दे दिया है। देखिए हम फ्राई मोमोज बना रहे हैं। तेल को तेल में डाल के फ्राई कर देंगे। देखिए मोमोज का हमें स्लो आँच पे तलना है, फुल आँच पे तलेंगे तो मोमोज तेल गर्म होके जल्दी लाल हो जाएंगे, मगर अंदर से अच्छा नहीं होंगे। तो स्लो आँच पे तलना है हमको। तो हम मोमोज फ्राई कर लेंगे। देखिए स्लो आँच पे। देखिए गाइस हमने मोमोज बना दिए हैं, उसको तल भी दिया है। आप मोमोज की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ भी चलते। अगर आप लोगों को मोमोज की चटनी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करिए, और मेरी मोमोज की रेसिपी कैसी अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए गाइस अल्लाह हाफिज़। देखिए हमने मोमोज बना दिए।